बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। सलाम रमज़ान में तस्लीम साबरी आप सबका खैर मकदम करता है। आज 21वीं शब, पहली ताक रात, मुमकिन तौर पर शब कद्र और उसके साथ साथ शब शहादत मौलाए कायनात है। हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम, ऐसी शख्सियत के जिनसे विलायत चली है, ऐसी शख्सियत जो दामाद रसूल हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक जो चली है, वो सैयदा कायनात से गोया मौला कायनात से चली है। फिर अकल सलातुसलाम ने मौला कायनात को अपना भाई करार दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मौलाए कायनात नबी के भाई हैं, अली नबी के भाई हैं? क्या मौलाए कायनात को मौला कहना, ये मौला क्यों कहा जाता है? इस हवाले से भी कुछ लोग एतराज़ करते हैं, वो भी आज हम हज़रत से पूछेंगे। इसके अलावा आपका जो दौरे खिलाफत है उसमें इतने फितने उठे उस हवाले से, और तमाम ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक, ये जो खिलाफत राशिदा के 30 साल हैं, इन 30 साल जिनको खिलाफत राशिदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया, इसमें मौला कायनात का कलीदी किरदार रहा है, वो क्या रहा है, उस हवाले से भी बात होगी। खसाइस अली के हवाले से भी बात होगी, जिक्र अली के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आपकी हम सब की बहुत जानी पहचानी, बहुत हर दिल अजीज़, बहुत महबूब शख्सियत डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। बड़ी मुकद्दस मुबारक शब है आज, पहली ही ताकरात है। मौला कहा, कह सकते हैं मौला कायनात को? जी बिलाशुबा कह सकते हैं। लोग बहुत एतराज़ करते हैं, मौला क्यों कहते हैं? मौला अली कहने पर बहुत एतराज़ करते हैं। असल में हमारे यहाँ जो मसाइल है ना तस्लीम भाई, वो इल्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो जहालत से ताल्लुक़ रखते हैं जी। वो नादानी की बिना पर होते हैं। मसलन इसकी मैं सादा मिसाल दूँ, मौला का लफ्ज़ होता है मददगार, मौला का माना दोस्त भी होता है, मौला का माना आका भी होता है, मौला का माना ग़ुलाम भी होता है। ये लफ्ज़ मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर कोई और माना आप ना भी लें, मददगार का माना लें, तो मौला मददगार, तो अगर इसको मौला ना कहें, जैसे आम मस्जिदों के इमाम को हम मौलाना कहते हैं, मौलाना कहते हैं, उसका माना है हमारा मददगार। अच्छा, फिर मौलाना अल्लाह का नाम है, अंत मौलाना फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन। जो मौलाना साहब फतवा लगा रहे हैं मौला अली कहना कुफ्र है, उनके नाम के शुरू में मौलाना लगा हुआ है, वो अल्लाह का नाम लगा कर भी शिर्क नहीं होता, और इधर हजरत अली के नाम के साथ मौला लग जाए तो गलत फहमी में डाला जाता है। सिर्फ जहालत है, ये सिर्फ जहालत है। और हजरत और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला हो, तो ये मौला का लकब खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने मौलाए कायनात कहा है। अल्लाह, कि जब ये बशारत मिली तो उन्होंने कहा अली मुबारक हो, आज की सुबह जो आपने की है ना, कायनात में बसने वाले हर साहिब ईमान मर्द और औरत के मौला होने की सूरत में सुबह। वाह, तो गोया जो मौलाए कायनात कह रहा है हाँ, वो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला के कॉल की पैरवी कर रहा है और उस पर अमल कर रहा है। अच्छा, इसी तरह एक और देखे, अल्लाम का माना है, एक होता है आलिम, आलिम का माना होता है साहिब इल्म। अल्लाम कहते हैं बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला, अल्लाह का वस्फ है अल्लामुल गुयूब, सबसे ज़्यादा गैबों को जानने वाला, और इस वो तो बताने वाला भी है, जानने वाला भी है, मालिक तो अल्लाह है ना। अच्छा, अल्लाम के आखिर में भी अगर इस अल्लाम में भी मुबालगा पैदा करना हो, तो आखिर में गोल ते लगाते हैं जिसे हम हे कहते हैं, तो वो बन जाता है अल्लामा। तो मौलवी साहब अल्लामा कहलवा के भी गुनाहगार नहीं होते, और हज़रत अली को मौला कहा जाए तो मसाइल पैदा होते हैं। तो ये टोटली नादानी और जहालत पर मबनी बातें हैं,
वरना ऐसी कोई बात नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। जब मौलाए कायनात की विलादत हुई तो अब तो हम डट के मौलाए कायनात कहेंगे ना कि फारूक आजम ने मौलाए उनकी सुन्नत है, उनकी सुन्नत है, उनके कहने पर हम कह रहे हैं मौलाए कायनात मौला को। अच्छा, जब आपकी विलादत भी हुई तो हुजूर के चेहरे की ज़ियारत किए बगैर आँख नहीं खोली? जी बिलाशुबा ऐसे है, काबे में विलादत, काबे में विलादत। इस पर भी लोगों को एतराज़ है, कुछ लोग कहते हैं जी कोई काबे में विलादत नहीं हुई, और कुछ ये भी कहते हैं कि काबे में विलादत होना ये कोई फजीलत की बात नहीं है। नहीं, ये वो कहता है जो जिसको फजीलत से कोई मसला पैदा होता हो। तो अल्लाह के घर में अगर विलादत हुई है तो वो मुकद्दस जगह है और मुकद्दस मकामात का एक अपना एहतराम है। अगर आप वहाँ चले जाएं तो आपको एक नमाज जो है वो लाखों में तब्दील हो जाती है, तो फ़र्क तो पड़ता है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुकद्दस मकामात का कोई मकाम और मर्तबा ना हो और उसकी निस्बत की कोई फजीलत ना हो? अगर ये फजीलत ना होती तो ला उकसम बिहाज़ल बलद क्यों फरमाता अल्लाह ताला? उस शहर, उस दियार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्में क्यों खाता अल्लाह ताला? सफ़ा और मरवा को अल्लाह अपने शायर क्यों करार देता, उनके एहतराम का क्यों कहा जाता? और फरमाया वमन युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब। मुकद्दस मकामात का जो एहतराम है ये तो दिलों के तकवा की अलामत है। तो अगर कोई पाकिज़ा हस्ती वहाँ मुतवल्लिद होती है और अल्लाह ने उन्हें ये शर्फ़ बख्शा है, फजीलत तो है। इसका इनकार तो वही कर सकता है जिसको खुदा न खास्ता कोई कद हो, अल्लाह अल्लाह ये मसला हो। और उलमा में से अक्सर ने इस रिवायत का जिक्र किया है, तो जब तवातुर के साथ एक रिवायत आ जाए तो अगर फजीलत नहीं है तो अगर साबित हो जाए तो फिर भी तो मसला नहीं होना चाहिए ना। सही, दोनों पहलू, दोनों ऑप्शन खुले रखने चाहिए। और वाकयतन हमारे नज़दीक ये फजीलत भी है और मौलाए कायनात की विलादत भी मस्जिद में हुई, अल्लाह के घर में हुई, काबतुल्ला में, और उनकी शहादत भी अल्लाह के घर में हुई। मैं वो छोटे छोटे सवाल आज सारे करना चाहता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। जो मौलाए कायनात से हुजूर की जो औलाद है, जो नस्ले पाक है, वो सैयदे कायनात से चली। बिल्कुल, और ये एजाज है सिर्फ अकाले सलातुसलाम का कि उनकी नस्ले पाक उनकी शहजादी से चली है, तो वो तो गोया मौलाए कायनात से चली है ना? जी बिलाशुबा ऐसे है। और जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, खुद सरत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया। और ये हज़रत अली का घराना है ना, हज़रत अली का घराना है ना ये सारे का सारा, शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि बाप शहर मदीनतुल इल्म के दरवाजे करार पाए हैं। जी दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। वाह। और ज़ौजाए मोहतरमा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो जन्नती ख़वातीन की सरदार है। वाह। तो ये तो जन्नत के वारिस हैं जनाब, सारे का सारा खानदान। तो कोई एक फजीलत हो तो बंदा कोई जिक्र करे ना, यहाँ तो फजाइल का पूरा जहान आबाद है। जी हाँ। और जिस पहलू को भी देखेंगे उस पर इतना कुछ कहा जा सकता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। जी हाँ। और जो सिर्फ एक पहलू पर कई कई प्रोग्राम हो सकते हैं। और जो लोग हद करते हैं वो बिलाशुबा ज़हनी हवाले से महदूद होते हैं, या ज़हनी, आप हम सख्त लफ्ज़ नहीं बोलते चूँकि हमारी आदत नहीं है, वो नफ्सियाती या ज़हनी उलझन होती है उनको, जिसकी वजह से वो फिर कदगने लगाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, एक बात तय है कि हम तो अल्लाह के हबीब को भी अल्लाह नहीं कहते, तो शेर खुदा को हम कैसे अल्लाह कह सकते हैं? तो ऐसी बात है ही नहीं। और सारी हमारे नज़दीक सारी फजीलतों की वजह, वाहिद वजह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सही। तो सारी अजमतें उन्हीं के सदके से मिली हैं। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, ये कौल हमें या तो मौलाए कायनात के लिए मिलता है या हसन व हुसैन के लिए। हाँ, कुछ और भी रिवायात है। अच्छा, और भी हैं मिलती। हाँ, है। कुछ रिवायात इस तरह की है, ये कमाल मोहब्बत का इजहार है। ठीक। इसकी कई जहतें हैं। एक तो ताल्लुक़ के खातिर है, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु 3 साल की उम्र है हुजूर की तरबियत में आ गए। जी हाँ। और मुसलसल तरबियत में रहे, फिर ख़ुद अपनी बेटी का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे किया। ठीक। ठीक है। और हज़रत खदीजतुल कुबरा की तरबियत में रहे, ये देखें ना। वाह वाह वाह। मलिकतुल अरब की तरबियत में रहे। क्या वाह। तो ये बड़ी अजमतें हैं, बड़ी रिफ़तें हैं। और इस हवाले से अगर हम जिस तरफ भी हम देखते चले जाएंगे तो परतें खुलती चली जाएंगी। और एक तो ज़ाहरी सबब है, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादार रहे और वफा की हद कर दी। वाह। अच्छा, फिर दीन का जो पैगाम है, अगर इसका रूहानी पहलू देखें
कि अली मुझ से है, मैं अली से हूँ, अली का मेरा जिस्म अली का जिस्म है, अली का गोश्त मेरा लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी। तो ये दर हकीकत इस तरफ भी इशारा है कि जो नबूवत का पैगाम है अगर आगे पहुंचा है, उसका इबलाग हुआ है, तो अल्लामा ने क्या खूब कहा, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक सजदा शब्बीरी, एक ज़र्बे यदुल्लाही। वाह वाह। तो ये पूरे का पूरा फैजान इसी घराने से आगे चला है ना, तो इसलिए ये कहना ये तो फजीलत का बायस है और इसके असरात भी हैं। अल्लामा का जिक्र आपने किया, अल्लामा ने तो अहले बैत से जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मौला कायनात से, और जो खास उनका तसव्वुर बूतराब है, सुभान अल्लाह। मैं अगर इजाजत हो तो किताब जी, आप ही की किताब है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ के सुनाऊँ, और मकसूद ये है कि हमने इस किताब में जो शायान शान उनके चीज़ें मुमकिन हो सकती थी हमने जमा करने की कोशिश की है। तो अल्लामा इकबाल ने जिस तरह खिराज तहसीन पेश किया है, उन्होंने दो तीन चीज़ें जो अहम हैं वो हमने इधर जिक्र की हैं। मसलन फरमाते हैं, मुस्लिम अव्वल शाह मर्दा अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। वाह। चूँकि बच्चों में सबसे ज़्यादा ईमान लाने वाले सबसे पहले वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा है। उलमा ने तस्बीक दी है, मर्दों में सिद्दीक़ अकबर हैं, ख़वातीन में हज़रत खदीजत अल कुबरा हैं, और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा है। बेशक, ठीक है। तो मुस्लिम अव्वल शाह मर्दा अली वाज़े है, इसको किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इश्क रा सरमाया ईमान अली, वाह वाह, इश्क के लिए जो ईमान का सरमाया है वो अली अल मुर्तज़ा की ज़ात है। वाह वाह। देखिए ना, सिद्क खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क। वाह। मारकाए वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। वाह। ये जितने इश्क के मंजर हैं ये सारे अपनी जगह पर हैं, और इश्क की जो मेराज है वो हमें करबला में नजर आती है। क्या बात। जो बद्र से सिलसिला शुरू हुआ वो करबला तक पहुंचा, और उसमें हजरत अली मुर्तजा, और उधर उधर लखते जिगर। फिर दूसरा वो कहते हैं, जाते ऊ दरवाजा शहरे उलूम, जेरे फरमानश हिजाजो चीन और रूम। वो तो दरवाज़ा उलूम के, शहर इल्म के दरवाज़ा हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, और आपके ज़ेर फरमान जो है वो हिजाज, चीन और रूम है। जो आपने अबू तुराब के फ़लसफ़े के हवाले से बात की, इस पर जितना अल्लामा ने लिखा है शायद कोई नहीं लिख सकता जी। अबू तुराब का माना है मट्टी का बाप। ठीक। लोग मट्टी के बेटे होते हैं, ये मट्टी के बाप हैं। वाह वाह वाह। अल्लामा कहते हैं मट्टी का बाप वो हो सकता है जो अपने तन को तस्खीर कर ले, अल्लाह हू अकबर, मुसखर कर ले, जिस्म की सल्तनत को जो फतह कर ले, वो अबू तुराब है। वाह वाह। और वो बयान करते हैं, शेरे हक ई खाक रा तस्खीर करत, ई गिले तारीख रा अक्सीर करत। अल्लाह। शेरे हक ने इस खाक को तस्खीर कर लिया और इस गिले तारीख को जो है वो अक्सीर बना दिया। वाह। जो आपसे जुड़ गया, अली के चेहरे को देखना इबादत। और बड़ी हिकमतें। अच्छा, फिर इसमें मुर्तजा कस्तेगे उ हक रोशन अस्त, मुर्तजा वो है जिनकी तलवार से हक रोशन हुआ, बूतराब अजफत है इकली में तनस्त। बूतराब जो है ये जिस्म की सल्तनत को फतह करने से इबारत है। फिर इकबाल ने इसे भी बयान किया कि अगर जिस्म की सल्तनत फतह हो तो सिला क्या मिलता है। इकबाल कहते हैं, हर के दर आफाक गर्दत बूतराब, बाज गर्दानत से मगरब आफ्ताब। कि जो इस कायनात में बूतराब के मनसब पर पहुंचता है उसके लिए मगरब में डूबा हुआ सूरज भी वापस पलटाया जाता है। वाह वाह। तो ये वो फलसफा अबू तुराब है जिसकी तरफ आपने बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया वा, था वा, वा। कि जिसकी तरफ अल्लामा ने इशारा किया। सही। अच्छा, शुजात भी सहाबा इकराम खुद फरमाया करते थे कि हम में से सबसे ज्यादा शुजा मौला कायनात, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये भी मोहब्बत का अंदाज है। सब ने खराज तहसीन पेश किया, और गजवा बदर में जब जंग में थे तो दुश्मनों से लड़ते, फिर कर आते हुजूर का चेहरा अनवर देखते, मेरे आका तो ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, ये तेरी खाक में अल्लामा कहते हैं तेरी। अच्छा, ये शुजात जो है ये ज्यादा खाने पीने से नहीं आती, ये जज्बा ईमानी से आती है। जी हाँ। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर, के जहां में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी। ठीक है। और मिटाया कैसा रो किसरा के इस्तेबदाद को जिसने, वो क्या था, जोरे हैदर फकरे बूजर सिद के सलमानी। वाह वाह। ये वो चीजें थी। और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अनु की शुजात, सुभान अल्लाह,
वो गजवा बदर से लेकर जितने गजवात हैं खैबर में देख लीजिए, खैबर में देख ले, देखने अमर इब्ने अब्द वुद्ध जी हाँ खंदक में उसे कतल किया, मरम को खैबर में कतल किया जी हाँ, और हर गजवे में शरीक रहे जी हाँ, और फ्रंट लाइन के ऊपर आप लड़े हैं जी हाँ, और इस्तेकामत के साथ लड़े हैं सिवाय गजवा तबूक के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोड़ के जा रहे थे, दूर जाना था ना, पीछे कोई संभालने वाले की जरूरत थी ना, तो आप रोने लगे। मैदान जंग में सारे जाए और अली जो शेर खुदा है वो बच्चों और औरतों के साथ रहे। आपने फरमाया अली तुम इस बार राजी नहीं हो कि आपका मकाम मेरे नजदीक वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाँ हारून अलैहिस्सलाम का, क्या बात, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वाह, तो ये हकीकत वाजे की, तो ये अजमत और रिफत और शुजात सुभान अल्लाह, सही वो सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा काम फिर तुझसे दुनिया की इमामत का। तो ये तो औसाफ वो है जो एक मर्द मुसलमान को, मर्द मोमिन को जो है वो नुमाया करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हमने ये भी सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अली को नबी का भाई नहीं कहना चाहिए, या हम नहीं कह रहे, या कुछ ने ये भी कहा, मैंने सुना कि अली के अलावा और भी भाई हैं, तो ये कहना कि अली के अलावा कोई और भाई नहीं है तो ये नहीं कहना चाहिए, ऐसा ठीक है? मतलब ये कोई बोझ की वजह से है? देखें इसमें कई पहलू हैं, बाज़ औक़ात हम इफ़रात तफरीत का शिकार हो जाते हैं। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात मदीना कायम फरमाई, इसी तरह मुआखात मक्की भी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भाई बने। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि मेरा कोई भाई नहीं है, आपने फरमाया आप मेरे दुनिया में भी भाई हैं और आखिरत में भी भाई हैं। ठीक है, तो दूसरों को भी ये शर्फ मिल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी और को मिला है तो दूसरे की फजीलत कम हो जाए। इस तरफ जाने ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, इसमें तो बिल्कुल इनकार हो रहा है, बिल्कुल ऐसे तो, लेकिन माना इनकार के नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि उसमें इज्जत और अजमत को उजागर करना मकसूद है। ठीक है, कि मर्द तो बड़े हैं, जवान तो बड़े हैं, लेकिन फाते तो बड़े हैं, फाते पड़े, लेकिन अली जैसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह तलवारें बड़ी होंगी लेकिन ज़ुल्फ़िकार जैसी तलवार कोई नहीं है। ठीक है, हालांकि अच्छा एक बात जो बड़ी जरूरी है वो ये कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशकात नबूवत से जो शुआएं निकली हैं ना, तो कोई ख़ास शुआ हर एक सियाबी पर पड़ी है। ठीक, और वो रंगों में नुमाया हो गया, किसी में सदाकत का, किसी में अदालत का, किसी में शुजात का, किसी में सखावत का, किसी में इश्क का, मुख्तलिफ रंग जो है वो मुनक़िस हुए। अच्छा, फिर हर सियाबी में कोई ना कोई ऐसी खसूसियत होगी जो दूसरे में नहीं है। ठीक है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया कि अगर दुनिया में जिस किसी ने मेरे ऊपर एहसान किए हैं मैंने उनका बदला इस दुनिया में चुका दिया है, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, इनके एहसानात का बदला मेरा रब क़यामत के दिन चुकाएगा। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने ख़त्ताब होते। अली आपका मेरे नज़दीक वो मकाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ हारून अलैहिस्सलाम का था, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। क्या बात, अच्छा हजरत उस्माने ज़ुन्नुरैन है, उन्हें कम उबेश 17 मरतबा जन्नत की बशारत मिली, हाय हाय, और ज़ुन्नुरैन है ये सर, ये वस्फ सिर उनका है जी हाँ, ज़ुन्नुरैन का, हुज़ूर की दो शहजादियाँ, दो शहजादियाँ उनके घर में है, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर हजरत बिलाल ने काबे की छत पे खड़े होकर आजान दी है, क्या कहेंगे, सारे नीचे हैं और वो ऊपर है। मतलब इस तरह फजीलत नहीं बयान की जाती कि दूसरे की इहानत हो, फजीलत इस तरह बयान करें कि हर एक का एहतराम बाकी रहे और मोहब्बत के जज्बात, हर एक की मोहब्बत, हर एक से मोहब्बत के जज्बात उभरे, उभरे, बिल्कुल सही, ये मकसूद और मतलूब होना चाहिए। अच्छा, खिलाफत राशिदा में सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर और मौला कायनात की शहादत के बाद भी जो किरदार मौला कायनात का रहा वो बड़ा कलीदी किरदार रहा, सैयदना सिद्दीक अकबर ने इसका तस्करा फरमाया, सैयदना फारूक आजम ने इसका तस्करा, सैयदना उस्मान गनी ने इसका तस्करा फरमाया। बिला शुबा, देखें हर जगह पर वो मुशीर आला के ओहदे पर रहे, हर जगह पर, और खिलाफत राशिदा को जो इल्मी बुनियादें दी हैं वो हजरत अली अल मुर्तजा ने दी, जो मैं फिर कह रहा हूँ जो इल्मी बुनियादें दी हैं, और रियासतें इल्म की बुनियाद पर मजबूत होती हैं, असलहा की बुनियाद पर मजबूत नहीं होती, हिकमत से होती, हिकमत से, नजरियात से मजबूत होती हैं। ठीक, और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी आप फ्रंट फुट पर रहे, हजरत अली अल मुर्तज़ा जो है वो फारूक आजम के दौर में, हजरत फारूक आजम तो पनाह मांगते थे, या अल्लाह मैं ऐसे हर आने वाले मसले से पनाह मांगता हूँ जिसके हल के लिए अबुल हसन जनाब अली अल मुर्तज़ा मौजूद, वाह 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 सुभान अल्लाह, और कई मरतबा एतराफ किया, यानी ये वो मोहब्बत के मज़ाहिर हैं जिनको उजागर करना चाहिए, लौला अली उन लहाला का उमर,
अगर इस मसले की रहनमाई के लिए अली ना होते तो उमर गलत फैसला करके हलाकत की तरफ बढ़ जाते। यानी ये एतराफ़ अजमत है। अब इस एतराफ़ अजमत को आप कहें जी देखें जी वो उनकी तजलील होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक ना, उनका ये मकसूद था। मजन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में पता क्या फरमाया हजरत अली ने, किसी ने कहा आप सबसे बहादुर हैं, आपने फरमाया नहीं, मुझसे भी बहादुर सिद्दीक अकबर है। वाह वाह। कि ग़ज़वा बदर वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जिन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया वो सिद्दीक अकबर थे। क्या बात। ये एतराफ़ अजमत है, ये खिराज तहसीन है जो उन्होंने एक दूसरे को पेश किया है। दूसरी तरफ हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत की जितनी रिवायात है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से मरवी हैं, हजरत आयशा सिद्दीका से। इसी तरह सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत के हवाले से जो है वो सैयदा आयशा सिद्दीका से है। अच्छा, फिर खिलाफत राशिदा में हजरत उस्मान गनी के जमाने में जब उन्होंने कहा जी ये रियासत मदीना है, ये सरजमीन मदीना है, मैं इसका तकद्दस नहीं पामाल होने दूंगा, मैं हथियार नहीं उठाने की इजाजत देता, ठीक है, तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी के घर के ऊपर पहरा देने वाले कौन है? हसनैन करीम है। जी हाँ। इससे बढ़कर कोई मोहब्बत का रिश्ता हो सकता है? हाय हाय हाय। तो हर मरहले में हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की जात जो है वो मशले रा रही है और इल्मी हवाले से जो है वो बुनियादें अता की हैं। फिर इसके अलावा एक और पहलू, ये जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब हुआ है या रद्दुल फसाद हुआ है, ये भी मौलाए कायनात की हिकमत का फैजान है कि उस जब आपके दौर में खवारिज उठे, का फैजान, हाँ उस नज़रिए का फैजान है, जब खवारिज उठे और उन्होंने हर किसी को अपने अलावा काफिर कहना शुरू कर दिया और फिर कत्लो गारत गरी बचा दी, वो कलमा गो थे, कलमा पढ़ते थे जनाब, बज़ाहिर ये था आपने उनके खिलाफ जंग की है और बताया है कि जो कलमा पढ़कर फसाद फैलाता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। जी हाँ। और उसी का फैज हमने पाकिस्तान 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां देकर स्टेबिलिटी की तरफ जो गया है, ये मौलाए कायनात की हिकमत का फैजान है। बेशक, बेशक। फिर आपने जब आप पर हमला हुआ, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हमला किया, तो उस वक्त उसको पकड़कर आपके सामने लाया गया, आपने उसकी हालत देखी तो उसके होंठ खुश्क हो चुके थे, खौफ ज्यादा था, तो आपकी जब नजर पड़ी तो आपके सामने कातिल नहीं था, एक प्यासी इंसानियत थी। आपने फरमाया भाई इसे शरबत पेश करो, दूध का प्याला पेश करो। यानी आप अंदाजा लगाएं हमारे ऊपर कोई वार करे तो हम रिएक्ट करते हैं और मौलाए कायनात क्या पेश कर रहे हैं। ये है अबू तुराब का फलसफा जनाब। वाह 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 वाह। ये है ज़र्फ़े हैदर। वाह। यानी अल्लामा ने एक और जगह पर इसी ज़र्फ़े हैदर को उजागर किया है। मैं एक और बात करके फिर इस तरफ आता हूँ। जी। फिर एक बात आपने फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे पास इख्तियार है, मैं इसको सजा दूं या माफ करो, अल्फाज मौजूद है, लेकिन अगर मैं विसाल कर गया तो इसको एक जर्ब से मारना है शरीयत के मुताबिक, इसलिए कि इसने मुझे एक जर्ब से इसने मेरे ऊपर वार किया। क्या जर्फ है ये? जर्फ ये इस्लाम है ना। जी हाँ। और ये हुस्न है, और आपने इसकी लाश को जलाना भी नहीं है और इसकी आज़ा को काटना भी नहीं है, मुसला भी नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह इन चीजों को पसंद नहीं करता। उस हालत में भी तो जो ज़र्फ़ हैदर की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लामा ने इसे बड़े निराले तरीके से उजागर किया। जमाल इश्क़ मस्ती नैनवाजी, इश्क़ मस्ती की कई मंजिलें होती हैं, और हज़रत अली मुर्तज़ा तो फिर इमाम आशका के भी इमाम हुए ना। वाह वाह। इमाम आशका। वाह वाह। पूरे बतूल सर्वे आज़ादा, मतलब ये अल्लामा ने कहा था कि आशकों के जो इमाम है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु है, और जो उनके भी इमाम है वो मौलाए कायनात है। वाह वाह। तो जमाल इश्क मस्ती नए नवाजी, पहला मरहला ये है कि जमाली कैफियत जब होती है इश्क मस्ती की तो बंदा महबूब के नाम की माला जपता है। वाह। इससे बात करना, उससे बात करना, उससे तस्करा करना। फिर एक रंग आता है जब जलाली कैफियत होती है तो वो कहता है कोई मेरे साथ शरीक ना हो, मैं खुद जिक्र करूंगा। वाह। मन अहबशयान अक्सर जिक्र हो, जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र कसरत से करता है। जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी, और जब इश्क मस्ती की जमाली और जलाली कैफियत पीक को पहुंचती है तो फिर क्या मिलता है? कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ हैदर। वाह। ये सारी मंजिलें तय करने के बाद ज़र्फ हैदर मिलता है। वाह। और जवाल इश्क मस्ती हरफ राजी, जो छोटी छोटी बातों पर एतराज करते रहते हैं तो वो फिर अक्ल के गुलाम होते हैं ना। वाह। तो नतीजा क्या निकलता है? जो अक्ल के पीछे ही पड़ जाए और मोहब्बत और इश्क की मंजिलों को नजरअंदाज कर दे तो अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। वाह वाह वाह। हर मामले में आप अकल इस्तेमाल करें
लेकिन जब मोहब्बत और ज़ौक के मामले आए तो वहाँ बुनियाद अक्ल नहीं होनी चाहिए, वहाँ इश्क होना चाहिए। इसीलिए अल्लामा कहते हैं, अच्छा है दिल के साथ दिल के पास रहे पासबाने अक्ल। अल्लाह है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ते। वाह, मौला कायनात के हवाले से जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनसे मोहब्बत करके कुछ जो है वो कामयाब हो जाएंगे, हैं, और कुछ लोग मौला कायनात से इस तरह की निस्बत रखेंगे कि गुमराह हो जाएंगे। बिल्कुल, यह ईसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दी, ईसा अलैहिस्सलाम से तशबीह, कि वहाँ मुफरित भी है और मुबगिज भी है। इससे भी क्या, इससे क्या मुराद, इससे मुराद ये है कि देखें हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मकाम और मरतबा है, नबूवत का फैज़ान सैयद अल अंबिया वल मुरसलीन के ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम को ये नसीब हुआ, आप खातमुन नबीयीन हैं, उसके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म मुकम्मल हो गया जी, ठीक है। उसके बाद विलायत का जो सिलसिला है वो मौलाए कायनात से चला, ठीक है, ठीक है। अब एक वजह फजीलत है, और उस वजह फजीलत, वो जो वजह फजीलत है वो किस निस्बत से मिली, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। बेशक, अब कोई शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी मैनस कर दे या मौला कायनात को हुजूर से बढ़कर दिखाए, तो ये गुलव है, इससे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ठीक है। और इसी तरह कोई आदमी इतना बुग्ज में चला जाए, मौला कायनात भी पसंद नहीं करते, हाँ नहीं कर, बिल्कुल नहीं करते थे जी, जी वो तो बंदगी, मौला कायनात कैसे पसंद कर सकते हैं इसको, वो तो बंदगी के शाह सवार है ना जनाब, आखिरी वक्त में भी कितने आदाब और अल्लाह की शरीयत के अहकाम का ख्याल है, इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ अगर कोई आदमी आपके बुग्ज में इस हद तक आगे चला जाए कि आपकी अजमतें उसे हजम ही ना हो, और उसके बयान में घुटन महसूस करे या उसके इजहार में उसे तकलीफ का एहसास हो, तो यकीनन ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है, तो ना गुलव दुरुस्त है ना बुग्ज दुरुस्त है। इसलिए मुतवाजन इस्लाम इतदाल का दीन है। अच्छा, वैसे ये भी एक दिलचस्प बात है कि अब फिरका बंदी में हम इतना आगे चले गए, फिरका दर फिरका, फिर हर मसलक के अंदर अब फिरके बन गए जी, और हमने फतवा लगाने के अलावा तो कुछ सीखा ही नहीं है ना, तामीरी काम तो हम कर नहीं सकते, तकरीबी मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। वाह, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या, जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो हमें चाहिए अब जो सिचुएशन है, एक फिरका ऐसा आ गया वो तौहीद का जिक्र हो तो खुश होगा, बाकी जिक्र हो तो वो घुटन महसूस करेगा। एक तबका ऐसा भी आ गया कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़करा हो तो उसे ज़ौक मिलेगा, और अगर अल्लाह का जिक्र हो तो शायद उसको बुलज़त नहीं मिलती जी। अच्छा, फिर एक तबका आ गया सहाबे किराम के तज़करे पर बड़ा खुश होगा, अहले बैत का तज़करा हो तो वो घुटन महसूस करेगा जी। और एक ऐसा तबका है जो अहले बैत के तज़करा पर खुशी मनाएगा और सहाबे किराम के तज़करा पर जो है वो तकद्दुर महसूस करेगा। याद रखें, तौहीद हो, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हुब्बे सहाबा हो, एहतराम अहले बैत हो, ये सारी चीज़ें मिलें तो दीन बनता है। बेशक, ये सारी चीज़ें मिलें तो दीन बनता है। हमें जो असलाफ ने सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने, मशायख ने, सूफिया ने, बरे सगीर में, वो तो अल्लाह का जिक्र जिस वारफ्तगी से करते हैं, आज भी खानकाहों में जो अल्लाह का जिक्र होता है उसकी लज्जत ही और होती है। फिर जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़करा होता है, उनकी आंखें जो है छम छम बरस रही होती हैं, दिल सीने से बाहर आ जाते हैं। वाह वाह। फिर अहले बैत अतहार का तज़करा होता है तो उनके सर अदब से झुके होते हैं। वाह वाह। सहाबा किराम का जिक्र होता है और उनके सीने फखर से जो है वो तने होते हैं कि हम उनसे निस्बत रखते हैं। वाह वाह। यानी ये वो मोतदिल दीन है जो हम तक पहुंचा था, और हमने अपनी तंग नजरी की इसे भेंट चढ़ा के हद बंदियां और तजज्जी और पार्ट्स कर दिए, उसका खमियाजा हम भुगत रहे। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आखिरी इख्तिसार से मैं इसका जवाब चाहूँगा, हमारे यहाँ अब सूरत हाल ये हो गई कि फिर सोशल मीडिया के आ जाने से भी बस जो अली अली करे वो फिर कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, ये अली अली बहुत करता है, ये शायद ये फलां फिरके से ताल्लुक़ रखता है, फलां फिरके, आप जवाब दे चुके हैं लेकिन ख़ास इस पहलू पर कि वो फिर उस पर फतवा लगाएंगे, ये जी फलां हो गया और ये फलां हो गया, नहीं अली अली करने से भी तकलीफ हो रही है। देखे ना, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे अनवर की तरफ देखना इबादत है, उन
जिक्र करना, उनका जिक्र करना इबादत है। ठीक है, असल में जो रूह है ना इसकी, मैं फिर वो जुमला दोहरा रहा हूँ जितनी बातें मैंने की हैं उसको इख्तसार के साथ, नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर रहे तो उम्मत बनती है, और नीचे आ जाए तो फ़िरके बनते हैं। बेशक हमारा मरकज़ महवर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होनी चाहिए। बेशक, और यही बात है कि अल्लामा इकबाल ने बड़े तवाज़ुन से इसे बयान किया है। मसलन वो कहते हैं कि जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक थे। ये वो तवाज़ुन है, ये वो इतदाल है। इसी तरह एक और जगह पर फरमाया कि जर्राए इश्क नबी अज हक तलब, सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। वाह, तो ये वो जो रब्त है वो उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं भाई जी हाँ। उनका बाहमी एहतराम है भाई, बाहमी मोहब्बत है, इतनी कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर कुरान कह रहा है कि जिन्हें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत नसीब होती है वो आपस में शीर व शकर होते हैं और कुफार पर सख्त होते हैं, और हम उसका उलट दिखाना चाहते हैं। और ये भी एक नुस्खा है, नुस्खे कीमिया है, तारीख को कुरान और सुन्नत पर पेश करें आपको कोई फिरका नहीं मिलेगा। कुरान और सुन्नत को तारीख पर पेश करके अगर तावीलें करेंगे तो फिर इतने फिरके बनेंगे संभाले नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आज हुई। नाज़रीन किराम, रमज़ान का महीना आखिरी अशरा, पहली ताक रात, मुमकिन तौर पर शब कद्र, मस्जिद मकाम, हालत नमाज में और नमाज की मेराज सजदा, कैफियत सजदे की है, सुभान अल्लाह, शहादत हुई। ये हैं मौलाए कायनात, ये हैं हैदर कर्रार, ये हैं शेर खुदा, ये हैं मौलाए कायनात वो हस्ती के यकीनन जिनकी मोहब्बत ईमान की अलामत है, जिनका जिक्र जन्नत का टिकट है, ये वो हस्ती है। अल्लाह करीम हम सबको मौलाए कायनात की मोहब्बतों से सर सरफराज फरमाए। एक मुख्तसर सा वक्फा, लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ, और वक्त है सुनहरी बात का। रिवायत में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की एक दावत की, दावत के लिए जब आका अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हज़रत उस्मान गनी आपके कदमों को देखते जा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम रुक गए, फरमाया उस्मान जब से चले हैं तुम मेरे कदमों को देखते जा रहे हो। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, सिर्फ कदमों को देख नहीं रहा बल्कि जितने कदम चलकर आप मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे उतने ग़ुलाम आज़ाद कर दूंगा। आका अलैहिस्सलाम घर पर तशरीफ़ ले गए, खाना तनावुल फरमाया और हज़रत उस्मान गनी ने जितने कदम चलकर हुजूर उनके घर तशरीफ़ लाए थे उतने ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। मौला कायनात भी उस दावत में मौजूद थे। उस दावत के बाद जब वो घर पर तशरीफ़ लाए तो कुछ उदास, कुछ मगमूम थे। सैयद कायनात ने देख लिया कि मेरे ताजदार मौलाए कायनात कुछ मगमूम हैं, कुछ उदास हैं। वजह पूछी, मौलाए कायनात ने फरमाया कि आज फातिमा मेरे भाई उस्मान ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी दावत की है कि तमाम सहाबा को खाना भी खिलाया, हुजूर भी घर पर तशरीफ़ ले गए और जितने कदम चल कर हुजूर उनके घर तशरीफ़ लाए उन्होंने उतने ग़ुलाम आज़ाद किए। हमारे पास तो इतना कुछ है नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि काश हम भी अपने आका की ऐसी दावत कर सकते कि उनके लिए खाने का एहतमाम करते और जितने कदम वो चल कर आए उतने ग़ुलाम आज़ाद करते। लेकिन उदास इसलिए हूँ कि मेरे पास इतना इतना पैसा नहीं है, इतना माल, इतने असबाब नहीं है। सैयद कायनात ने कहा कि आप परेशान ना हों, आप अल्लाह के हबीब को दावत दे आइए, उनके साथ सहाबे किराम भी हमारे घर तशरीफ़ लाएं और खाने की दावत होगी। मौला कायनात ने फरमाया कि कैसे होगा, और वो जो ग़ुलाम एक एक कदम पर आज़ाद किया वो हम कैसे करेंगे।
सईदा कायनात ने फरमाया कि आप परेशान ना हो, आप हुजूर को दावत दे आइए, सब हो जाएगा इंशाअल्लाह। अकल सलातम को मौलाए कायनात ने दावत दे दी। अगले ही रोज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हज़रत मौलाए कायनात के घर दावत के लिए, अपनी शहजादी शहजादी कौनैन के घर दावत के लिए तशरीफ़ ले आए। जब बैठ गए तो मौलाए कायनात खलवत में गईं और सजदे में गिर गईं और रब से अर्ज़ की कि मौला, मेरे पास तो इतने असबाब नहीं हैं कि मैं इतने लोगों का खाना इंतज़ाम कर सकूं। मौला, तेरी रहमत के आसरे पर मैंने इन सब को बुला लिया, तेरे महबूब को बुला लिया है, अब तू ही है जिस पर मेरा आसरा है। बस ये दुआ करके आपने हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी और दुआ की, रब तआला ने उस हंडिया को जन्नत के खानों से और लजीज खानों से भर दिया। दावत हुई इस तरह कि सैयदा कायनात उस बर्तन, छोटे से बर्तन से खाना निकाल निकाल कर दिए जाती, खाना ख़त्म नहीं होता था। जब अल्लाह के हबीब ने खाना खाया, खाना तनावुल फरमा लिया तो सहाबा से खुश होकर फरमाया कि जानते हो ये खाना कौन सा है? सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हमें नहीं इल्म। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खाना हमारे लिए रब तआला ने फातिमा के बर्तन में जन्नत से भेजा है। सैयदा कायनात फिर सजदे में गिर गईं कि हमारी ख्वाहिश ये भी है मौला, तेरा हबीब जितने कदम चलकर हमारे घर आज रौनक अफरोज़ हुआ है, जलवा फरमा हुआ है, तशरीफ़ लाए हैं, उनके एक एक कदम के इवज में अपने महबूब के एक एक उम्मती को नारे दोजख से आज़ाद फरमा दे। ये दुआ भी कबूल हुई, यानी ये दुआ अभी हुई ही थी कि सईद आकल सलातम की बारगाह में जबरील अमीन हाजिर हो गए और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के हबीब, रब ताला ने पैगाम भेजा है कि आज आप अपनी शहजादी के घर चलकर, जितने कदम चलकर आप अपनी शहजादी के घर तशरीफ़ लाए हैं, रब ताला एक एक कदम के इवस आपकी उम्मत के एक एक हज़ार गुनाहगारों को दोजख की आग से आज़ादी अता फरमा देगा। नाज़रीन किराम, इसी सुनहरी बात के साथ एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे से जब हम लौटेंगे तो मारूफ सनाखा गुलाम ज़ैनुल आबिदीन सईदी हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। नात भी होगी, मौलाए कायनात की मनकबत भी होगी। देखते रहिए सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन किया है आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला सना खां गुलाम ज़ैनुल आबिदीन सईदी ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और आज की इस मुकद्दस शब में मौलाए कायनात का जिक्र हो रहा है और होता रहेगा इंशाल्लाह। तो आगाज करते हैं नात से जी, और उसके बाद मनाकिबे मौलाए कायनात। जी मैं पेश करता हूँ।
तरानी का था इजहार, फकत मूसा को तरानी का था इजहार, फकत मूसा को। तुम तो प्यारे हो ना आ जाओ, लो जलवा देखो, तुम तो प्यारे हो ना आ जाओ, लो जलवा देखो। और बड़ा खूबसूरत शेर के जब सवाल आया सहाबा का, खुदा देखना है। जब सवाल आया सहाबा का, खुदा देखना है। आका ने कहा मेरा ही चेहरा देखो, मेरे आका ने कहा मेरा ही चेहरा देखो। और सब समझ आएगा औलाद चली जहरा से क्यों, सब समझ आएगा औलाद चली जहरा से क्यों। मोहम्मद का अली पाक से शजरा देखो, मोहम्मद का अली पाक से शजरा देखो। तस्लीम भाई के बूबकर उम्र के रुतबे के लिए काफी है, बूबकर उम्र के रुतबे के लिए काफी है। साथ सोए हैं मेरे आका के हुजरा देखो, या है साथ सोए हैं मेरे आका के हुजरा देखो। और मक्ते से माकबल के सैयदा जहरा की चौखट की गदाई पाकर, बुजरो कंबरो सलमा कम चलना देखो। इश्क़े हैदर में तनासुब से रिवायत का महल, इश्क़े हैदर
सब में रिवायत का महल ऐ हजी शेख मुकर्रम का संभलना देखो देखो माशाल्लाह माशाल्लाह मनाकिब मौला कायनात। नाज़रीन आज चूँकि 21वीं शब है और पहली ताकरात है, मुमकिन तौर पर शब कद्र है और मौला कायनात की शहादत की शब है, तो मनाकिब मौला कायनात की। ज़ैन भाई बिस्मिल्लाह। जी मैं पेश करता हूँ। तस्लीम भाई, कोशिश की कि मौला कायनात की बारगाह में कुछ चंद जुमले मैं कह सकूं। बिस्मिल्लाह। तो मैंने पेश किया मोहब्बत के साथ। कोई तो है जो खुदा के जलवे दिखा रहा है, वो मुर्तज़ा तो है जो खुदा के जलवे दिखा रहा है, वो मुर्तज़ा है जो फातिमा का हसीन गुलशन खिला रहा है, वो मुर्तज़ा है, वो मुर्तज़ा है, वो मुर्तज़ा है। कोई तो है जो खुदा के जलवे जो तन्हा मरहब के सामने आए, उसको दो नीम कर गिराए, जो बाएं बाजू से खैबरी दर उठा रहा है, वो मुर्तज़ा है, वो मुर्तज़ा है, वो मुर्तज़ा है। कोई तो है जो अली अली वसीए रसूल भी है, अली सुहागे बतूल भी है, अली वसीए रसूल भी है, अली सुहागे बुतूल भी है, जो अपने कातिल को जाम हिम्मत पिला रहा है, वो मुर्तज़ा है, वो मुर्तज़ा जिसका ईमान
खिरत से बाला जो निगहबाने हुजूर वाला उसी के आंकर में चांद जो जगमगारा है वो मुर्तजा लबों पे हर दम अली अली है ये ज़ैन मामूले ज़िंदगी है लबों पे हर दम अली अली है मुनाफिकों मोमिनों को नजरों में ला रहा है वो मुर्तजा है वो मुर्तजा है वो मुर्तजा है कोई तो है सुभान अल्लाह सुभान शहादत मौला कायनात पर बिस्मिल्लाह एक मनकबत पिछले साल लिखने की सआदत हासिल हुई वो अचानक ही सफर कर रहा था तो अता हो गई माशाल्लाह है तो रमजान की दो उसको मुबारक जहरा की जो हम शक्ल है सीरत में अली ज़ैन इक्कीसवें रोजे को वो खुद शाम बनी है गर्दने शबीर को दिया जाते हुए गर्दने शबीर को बोसा दिया जाते हुए प्यार को ज़ैनब ने आगे सर किया जाते हुए प्यार को ज़ैनब ने आगे सर किया जाते हुए प्यार ही देकर चले जाते तो कुछ हैरत न थी प्यार ही देकर चले जाते तो कुछ हैरत न थी पर जबीने पाक को चूमा भी था जाते हुए
پر جبین پاک کو چوما بٹھا جاتے ہوئے اور بے زبان مرغابیوں کے دل پھٹے جانے لگے بے زبان مرغابیوں کے دل پھٹے جانے لگے ان میں بھی آہو فغاں کا ورد تھا جاتے ہوئے ان میں بھی آہو فغاں کا ورد تھا جاتے ہوئے تسلیم بھائی میں آگے پڑھ رہا تھا ایک واقعہ اور میں نے اس کو ہی لکھا کہ تھی اٹھارہ چاند کی اور چاند کے اس چاند نے تھی اٹھارہ چاند کی اور چاند کے اس چاند نے گھر کیا کل سوم کے روزہ کشا جاتے ہوئے گھر کیا کل سوم کے اور آپ شاعری سے وابستہ رہتے ہیں تسلیم بھائی جو اس کا ثانی مصرع ہے وہ دوسری زندگی کا ہے یعنی عالم ارواح سے متعلق ایک نقشہ کھینچا ہے کہ سب یتیموں کو حقیقت میں یتیمی دے گیا سب یتیموں کو حقیقت میں یتیمی دے گیا اور خود عمران کی باہوں میں تھا جاتے ہوئے اور خود عمران کی باہوں میں تھا جاتے ہوئے کہ جب مروں میں ہونا میں علی ورد زبان اور ہو تمار کی سنت ادا جاتے ہوئے اور ہو تمار کی سنت ادا جاتے جا جاتے ہوئے کیا کہنے سبحان اللہ ماشاء اللہ آخر میں دو تین اشعار منقبت کے اور مولا کائنات کی ہی منقبت کے تسلیم بھائی اس منقبت کے صدقے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ماشاء اللہ مولا کائنات کی شان میں منقبت کے چند اشعار پھر کے دیکھ لو نگر نگر گلی میں ہے پھر کے دیکھ لو نگر نگر
तज़किरा गली गली में है, वो मज़ा किसी में भी नहीं जो मज़ा अली अली में है। फिर के देख लो नगर 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 नगर, फिर के देख लो नगर नगर। ये बात याद रख के अकीदे की बात है, हाँ ये बात याद रख के अकीदे की बात है। इस बात का लकब ही कली दे नजात है। तो जख मुनाफिकों की इबादत का है जहेज, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। बोलो फिर के देख लो नगर 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 नगर, फिर के देख लो नगर नगर नगर। और रखता है दिल में बुग्ज जो आले रसूल से, ऐसे फकीह है शहर की तकरीम छोड़ दो। जो शहरों बाबो इल्म से रखती है दूर दूर, उस दरसगाह कुफर की तालीम छोड़ दो। फिर के देख लो नगर 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 नगर, फिर के देख लो नगर नगर। आती भी कैसे चश्मे तगाफुल में रोशनी, रोशनी आँखों पे इख्तलाफ के पर्दे पड़े रहे। दरवाजा शहर इल्म का खुलता रहा, मगर कुछ लोग जानबूझ के पागर खड़े रहे। फिर के देख लो नगर नगर, फिर के देख लो नगर 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 नगर। शेर सुनिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे शेर मुझ नचीज के लिखे हैं कि सिद्क की मेराज फातिमा, आलिया का ताज फातिमा, सिद्क की मेराज फातिमा, आलिया का ताज फातिमा, मुस्तफा का पारा जिकर मुर्तजा की लाज फातिमा, उनका फैज ही तो गौस में कुतुब में वली जली में है। फिर के देख लो नगर 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 नगर, फिर के देख लो नगर नगर। शहर ये गली गली ये मोहल्ला अली का है, शमसो कमर नजूम तजल्ला अली का है। दीवार दर दरार हकाइक पे गौर कर मालूम हो रहा है कि अल्लाह अली का है। बोलो फिर के देख लो नगर नगर। और मरहबे लई के सामने हैदर करार आ गए, मरहबे लई के सामने हैदर करार आ गए। शेरे जुलजलाल का लकब एक बार में निभा गए, मस्तियों भरी हर कदा जुल्फ़िकार हैदरी में गए। फिर के देख लो
کہ منتہائے قوت تحل سے شروع ہو قوت علی, شیروں کو بھی ہمتیں ملی چومنے سے پاؤں کی تلی, جو بھی منکر علی ہوا سمجھو وقت آخری میں ہے, پھر کے دیکھ لو نگر 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 گلی گلی میں ہے, وہ مزہ کسی میں بھی نہیں جو مزہ علی علی میں ہے, پھر کے دیکھ لو نگر نگر مالا 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 واہ واہ جی ماشاء اللہ زندہ باد سلامت رہیے. بہت شکریہ غلام زین العابدین سعیدی مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین کرام اختتام کرتے ہوئے بس یہ ذکر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ محفل میں بیٹھے, بزم میں بیٹھے, مجلس میں بیٹھے ہوئے علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ علی کا چہرہ دیکھوں, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. صحابہ کرام ذکر علی سے ہی مومن اور منافق کی پہچان کر لیا کرتے تھے. جس کے چہرے پر ذکر علی سے کچھ تیور بگڑ جائیں صحابہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ منافق ہے, اور ذکر علی سے جس کا چہرہ کھل جایا کرتا صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے. ذکر علی یاد رکھیے, ذکر علی نفاق اور ایمان کی علامت ہے. ایمان جس کے دل میں موجود ہے وہ ذکر علی سے مسرور ہوگا, اور یقیناً آج بھی آپ نے بھی ذکر علی سنا, جس کے چہرے کھل گئے, جس کے دل میں خوشی پھوٹی ہے وہ سمجھ لے کہ اس ذکر سے نہیں بلکہ اس کے اندر ایمان موجود ہے, تو وہ ذکر علی سے ایمان کھل اٹھا ہے. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کی شب 21ویں شب ہے اور پہلی تاخرات ہے, عبادت میں گزاریے, رب کو منائیے. ہزار مہینوں سے افضل رات ممکنہ طور پر شب قدر ہے. دیکھتے رہیے سلام رمضان. السلام علیکم. تسلیم صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. مرحبا مرحبا سلام رمضان, مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان.